गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मिला जुला के ना कल मैं आया था, कल क्या इनफैक्ट आज सुबह मैं आया था बीकानेर से। मतलब 604 किलोमीटर तक का जर्नी था और 604 किलोमीटर हमने ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे में कवर कर लिया था, जिसमें बीच में हम रुके हुए थे। काफ़ी ताबड़तोड़ स्पीड से आए थे यार, मतलब बहुत ही अच्छा स्पीड। रात के समय के ड्राइविंग का मतलब ही यही है यार, आप अच्छा स्पीड मेंटेन कर सकते हो, आपकी हेडलाइट अच्छी होनी चाहिए। हेडलाइट से याद है भाई, इस गाड़ी में भी ना मेरे को कुछ चेंजेस कराने हैं, क्योंकि अपना फिलहाल एक ट्रिप प्लान्ड है। ओ भाई, इतना लंबा जैम, और वो ट्रिप पता है कितना है? वो 2000 किलोमीटर का है, 2000 किलोमीटर। बट आप सबको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ये कहा भाई रूफ टॉप कैंपिंग, भाई कुछ ऐसा ही प्लान्ड है और वो होने वाला है तगड़ा, वो होने वाला है क्रिसमस के आसपास। प्लस अपना एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान्ड है, उसके लिए भी वर्किंग चल रही है। अगर वो हुआ तो वो हो जाएगा 20-21 तारीख के आसपास। प्लस अपने थार को हम अलविदा भी कहने वाले हैं, ठीक है, और थार को अलविदा कहने वाले हैं इसी साल में। मतलब इसी साल में वो अपने नए घर में चली जाएगी, और उसके लिए थार फिलहाल है अभिषेक भैया के पास। अब अभिषेक भैया के पास ना पहले मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि भाई जो भी मैं अपनी गाड़ियां ना बहुत अच्छे से रखता हूँ, मतलब हल्की भी कुछ होता है ना तो मैं उसको प्रॉपरली सही करवाता हूँ, ऐसा नहीं कि चलने दे। तो वो चीज़ें ना थार में मेरे को था कि भाई मेरे को खुद था कि उसमें से पीछे से आवाज़ आती है। वो आवाज़ आती है भाई, हर थार में आती है, वो आती ही है। वो पीछे ना जो टायर लगाता है ना, उसका स्टेपनी कवर ढीला हो जाता है, और उसमें मेंटेनेंस हमेशा प्यार चाहिए, थार को प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। तो वो प्यार देने के लिए ना जिसके पास भी जा रही है ना, उसके पास भी अच्छे से रहे। तो इसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे से रेडी करा दें। प्लस उसमें शायद PPF भी कराना है, एक बार वो मैं भाई से कन्फर्म कर लूँगा जिन्होंने गाड़ी ली है कि कौन सा करना है क्या करना है। तो अलग अलग टाइप के भी PPF आते हैं ना, तो कौन सा भाई को पसंद है तो उसके हिसाब से मैं उनको बता दूंगा। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से सीधे ऑफिस। ऑफिस पे आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे बीकानेर से मिडनाइट, मतलब ऑलमोस्ट आधी रात 11 बजे हम निकल गए थे, और मेरा यहाँ पे होना बहुत बहुत ज़रूरी था। जितना ट्रैफिक अभी दिख रहा है ना भाई, रात के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था, और 8 डिग्री था, और फिलहाल दिखा रहा है 19 डिग्री। ये देख रहे हो, 19 डिग्री भाई, गर्मी हो जाती है। अगर अभी तो AC नहीं चला रहे गाड़ी का, मतलब अगर वेंटिलेशन वगैरह चाहिए तो बस बाहर का शीशा खोल देते हैं। भाई क्यों रुक गए सारी गाड़ियाँ, ग्रीन था, और ये आवाज़ क्या कर रहा है? अच्छा, सीट बेल्ट कर रहा है। एक तो मेरे को आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई पड़ती है ना, हर एक चीज़ में आवाज़ ही आती रहती है मेरे को, हल्की भी आवाज़ होती है तो मेरे को कान में लगती है। हाँ, ये अलग आवाज़ है। थैंक यू भाई, जो सामान लेना था ऑफिस से ना वो ले लिया, और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं अभिषेक भैया के पास। हाँ, मैंने कहा था ना कि थार दिखाऊंगा, अभी फटाफट निकल लेते हैं और जल्दी से ये काम करके वापस आते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारा थोड़ा रहने वाला है जी हेक्टिक। रहेगा तो सही रहेगा, आदमी का दिन हेक्टिक होना चाहिए यार। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है ना कि भाई इतना काम है, भाई शुक्र मनाओ कि आपके पास काम है। बहुत लोगों के पास ना ये वो सोचते हैं यार कि काम होता तो कितना अच्छा होता। तो हमेशा गॉड्स को थैंक यू बोलो कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, ताकि लोग आपके पास ना काम करवाने या कोई भी सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, अगर आप बिजनेस में हो तो। मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ मैं जॉब में भी था ना, तो मैं हमेशा लाइफ हेक्टिक ही रहती थी। हेक्टिक इसलिए रहती थी क्योंकि भाई काम रहता था। हाँ, अगर आप अच्छा कर रहे हो ना तो आपके पास हमेशा अच्छा काम रहेगा, विच इज़ वेरी गुड। अभी फटाफट यहाँ से भाग लेते हैं, इससे पहले कि मैं आपको और ज्ञान दूँ लाइफ के बारे में। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन होते रहना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बेल्ट भी लगाना चाहिए, ये भी ज़रूरी है लाइफ में। भाई मेरी ज़िंदगी भी ना अजीब सी चल रही है, मतलब ऑफिस का काम तो है ही, साथ में YouTube, ब्रांड, Instagram, सारी चीज़ें एक लाइन से हबड़ तबड़, ये करना है वो करना है। भाई इतनी हबड़ तबड़ में चल रही है ना। अभी मैं रुका हुआ था एक जगह साइड में, एक ब्रांड का कुछ शूट करना था, तो वो उनको आज चाहिए था। अब डेडलाइंस भी ऐसे हैं ना भाई कि डेडलाइंस ऑफिस में, पहले HDFC में था तब भी डेडलाइंस होते, सेल्स टारगेट होते थे, मंथ के डेडलाइंस होते थे, और यहाँ पे भी डेडलाइंस। अभिषेक भैया कहाँ हैं भाई? तो घूमने गए। घूमने गए? ओ भाई मस्त। भैया थार में क्या चल रहा है, सब टाइट वाइट हो गया क्या? अच्छा, सही है सही है, मस्त लग रही है।
इसको एक बार धुलवा के ना इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देख लिया मैंने, कैप्चर हो गया ये कैप्चर हो गया। अभी थार जाएगी 19-20 तारीख के आसपास जाएगी। हाँ, उसके पहले ना इसमें थोड़ा सा और कुछ काम होगा डिटेलिंग का, ताकि जब गाड़ी जाए, यहाँ से बैंगलोर जा रही है शायद। हाँ, बैंगलोर मतलब यही नंबर यही रहेगा, बट गाड़ी ये सारे चीज़ यही रहेगा, लेकिन गाड़ी शायद बैंगलोर जाएगी। भाई सच्ची बताऊँ तो गाड़ी को देख के ना थोड़ा इमोशनल हो जाता है आदमी, ठीक है। गाड़ी में कुछ कुछ हल्के फुल्के चेंजेस हैं, वो भैया ने मुझे बताया, तो होपफुली अपने पास रेडी होके मिल जाएगी एक दो दिन, जो भी टाइम अभी और लगेगा। बाकी अब यहाँ से चलते हैं। जो मेरे को एक सामान देना था अभिषेक भैया को, वो दे दिया, ठीक है। एंड अब वो देखते हैं कब तक वापस आता है हमारे पास, होपफुली शाम तक वो सामान आ जाएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए और वो हमें जल्दी चाहिए। अब यहाँ से फटाफट ऑफिस निकल लेते हैं। एक और सर आ रहे हैं गुजरात से, ठीक है, वो ऑलरेडी दिल्ली आ चुके हैं, तो वो अपनी गाड़ी देखने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी गाड़ी डिलीवर करनी है हमें। अभी खा के आया हूँ मैं भाई। खा लो ना, तुम तो रात में भी कुछ नहीं खाए, कचौड़ी पकौड़ी खाते हुए आए हो। अभी खाया है मैं घर से खा के। ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हें छोड़ा है मैंने और तुम सीधे उठ के नहाए तो हो नहीं। सच्ची बता, क्या बात कर रहे हो? मैं सुबह उठ गया। फिलहाल टाइम हो रहा है कितना, ऑलमोस्ट 8। अरे भाई आज हमारे आशिक भाई आ गए ना, तगड़ा। चलो ये सारा चीज बंद कर दे और यहाँ से भाग ले। लाइफ में ना मेरे को इतना अमीर हो रहा है ना कि अपना वॉलेट इधर उधर भूल जाना है और फिर याद ही नहीं रखना है कि भाई मैं किसकी गाड़ी में वॉलेट भूला। अच्छा ये तो मेरी गाड़ी है, मैंने कहा वेन्यू जानी पहचानी लग रही है यार नंबर। फिर याद है, अच्छा अज्जू भाई की तो मेरे पास। रुक जाओ, मैं इतना अमीर नहीं हूँ ना कि चाबी लॉक करके भूल जाऊँ। ये है यार विकास भाई, आप सोचे इसमें पैसे ही थे। पैसे थे ना यार। कॉमेडी फ्राइडे चले। कॉमेडी फ्राइडे चलो। नहीं नहीं अभी हम खुद की कॉमेडी करेंगे। मजा आ रहा है वेन्यू चलाने में ना। अमेजिंग कार है यार। अमेजिंग कार है भाई। थोड़ा सा इसको साफ सफाई कराना पड़ेगा। इंटीरियर वाइट है ना यार। इंटीरियर नहीं है, सीट थोड़ी सी वाइट है। हाँ मतलब वही है। लेकिन सीट में एयरबैग है ना, अदरवाइज नहीं तो इसका जुगाड़ करते हैं। एक इसका ना एल्कंटारा सीट बनवाते हैं। ओहो यार ये इटालियन डेविल्स वाले भी ना कुछ चीज को एल्कंटारा से कंपेयर कम रखते ही नहीं है क्या भाई? मुझे भी लगा दो ना। एल्कंटारा एल्कंटारा है भाई। और कल एक आपको न्यूज देंगे। अभी नहीं, कल देंगे। अभी दे ना। कल देंगे आपको, अभी बता देता हूँ। बाकी ब्लॉग में कल बताऊंगा। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी अभी लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब इस गाड़ी से रिलेटेड। अभी मैं अभिषेक भैया के पास जाऊंगा, थार वहाँ खड़ी है ना, और मेरे को कुछ सामान लेना उनसे। अभिषेक भैया के पास दोपहर में गया था ना, तो वो थे ही नहीं। अभी वापस आ गए, उनका फोन आया था, तो अभी मैंने एक सामान दिया था अभिषेक भैया को, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन कराना था। उसका भी रेक्टिफिकेशन चल रहा है, तो वो जाके मेरे को उठाना है, क्योंकि कल मैं ऑफिस आऊँगा ना, तो वो सामान अपने साथ लेके आना है। अदरवाइज वो अभिषेक भैया भेज भी रहे थे, मैंने कहा जब मैं आपके पास आ ही रहा हूँ, प्लस मेरी थार भी वहीं पर खड़ी है ना, तो अभी वो डिस्कस कर लेंगे। हेलो जी, आ गए हम अभिषेक भैया के पास वापस से। गाड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ा के लगा देते ताकि इधर रोड में किसी को परेशानी नहीं हो और मेरी गाड़ी में कोई टच नहीं करे। अभिषेक भैया अभी इधर से ही मुस्कुरा रहे हैं ना देख के। मैंने अभिषेक भैया से पूछा ऐसा क्या कर रहे हैं इसमें हम, तो कह रहे हैं जिनको आपने गाड़ी दी है ना उनके लिए उन्होंने कुछ सरप्राइज़ रखा है। वो मेरे को बता नहीं रहे कि क्या सरप्राइज़, कह रहे वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी सरप्राइज़ हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा क्या सरप्राइज़ है? कुछ चेंज वेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी इसमें एक दो चीज़ें और करानी है, बाकी ये लेने आए थे अभिषेक भैया के पास। देखो भाई एक सपोर्ट सिस्टम ना तो बहुत ज़रूरी है, और अभिषेक भैया का ना सपोर्ट तो मेरे को मतलब शुरुआत से ही, कोई भी गाड़ी हो कोई भी चीज़ हो हमेशा रहता ही है। मैं तो हर एक चीज़ अभिषेक भैया के हवाले छोड़ देता हूँ भाई, वो अभिषेक भैया खुद देख लेंगे अपने से। चलो ये अपना ना कुछ आया था वो पैक हो गया, किसी चीज़ के लिए आया था वो पैक करवा दिया, वो भी सपोर्ट सिस्टम। मैंने बोला ना अभिषेक भैया का काम नहीं था, लेकिन मेरे को करवा दिया। यही फ़ायदा होता है यार एक अच्छा रिलेशनशिप बनने से। बाकी ठीक है, कब तक मिल जाएगी फिर मेरे को ये वाली? हाँ ये आपको मंडे को मिल जाएगी। मंडे को मिल जाएगी, डन है। अच्छी लग रही है यार, मेरी है। अभी तो मेरी है। अभी इस गाड़ी से अपन करने वाले हैं 2000 किलोमीटर का एक ट्रिप, और वो प्लान्ड है, ठीक है। तो मैंने कहा भैया इससे पहले ना इसका DF ख़त्म हो गया था, मैंने कहा DF डलवा लेते हैं इसमें, क्योंकि DF ना भाई इसका बहुत जल्दी ख़त्म होता है। स्पोर्ट्स मोड पर तो बहुत तकड़ा, कम से पिंटू भैया कम से कम 7-8 लीटर आएगा भाई। इसका टैंक बहुत छोटा है यार, इसका टैंक ना सिर्फ 10 लीटर का टैंक है, और इसमें ना टैंक की वजह से ना बहुत दिक्कत है यार।
लास्ट मैंने भराया था कहाँ भराया, जलंधर में भराया था, जलंधर में ख़त्म हो गया था। उसके बाद 1000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ, मतलब 7-8 लीटर के करीब आना चाहिए। मैंने कहा आया हूँ तो करवा ही लेता हूँ, हो जाए तो लगे लगे। बाकी ना फॉग लैम्प्स के लिए ना मेरे को कवल भैया के पास जाना है ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम, वो मैं 1-2 दिन में देखता हूँ चला जाऊँगा। प्लस इसका ना एक और चीज़ कराना है, इसका ना ब्रेक ना उस पर लाइन्स आ गए हैं तो गाड़ी ना वॉबल कर रही है, तो वो एक बार टोयोटा से मैं सोच रहा हूँ डिस्क पैड ही चेंज करा दूँ, मतलब पूरा डिस्क चेंज करा दूँ, डिस्क तो पैड तो चेंज हुआ था, पूरा पूरा डिस्क चेंज करा दूँ भाई। गाड़ी सही रहेगी ना तो मज़ा आएगा। हाँ, गाड़ी को प्यार करना सीखो और गाड़ी आपको वापस प्यार करेगी। तो भाई यहाँ से भी अपना एक काम था वो हो गया, अब ग्रेजुअली वो क्या काम था क्या हुआ ना वो शायद कल के व्लॉग में मैं आपको बता दूँ, बट अभी शायद सुन के ना थोड़ा सरप्राइज हो जाओ कि भाई आखिर चल क्या रहा है, हाँ आखिर करना क्या चाह रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा। अब उसके लिए ना थोड़ा सा इधर उधर मेहनत कर रहे हैं बस, बट जो हो रहा है ना मतलब आप देख के बोलोगे भाई कर दिया, जो सोचा था ना वो कर दिया। क्या कर रही है, हाँ पूछ की ला रही, चल उछल कूद।